Divine blessings टू यू ऑल एंड वेलकम टू माई चैनल सोल ही अंकिता अग्रवाल ये वीडियो में एक सर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज में फंसे हुए थे जानते भी थे परेशानियाँ भी जीवन में बहुत सारी थी सारा फैमिली ही बहुत ज़्यादा परेशान था फैमिली में हर मेंबर बहुत परेशान था तो ये ख़ुद भी बहुत परेशान हो रहे थे हेल्थ इश्यूज थे बहुत ज़्यादा जो कि ठीक नहीं हो रहे थे ये भी अपनी परेशानी जानते थे कि कहाँ से तो कुछ कुछ हो रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे थे हेल्पलेस थे इनके कुछ और सेशंस भी मैंने अपने ही चैनल पर डाल रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हुए थे तो इसी इनके कई सेशंस किए थे और इनकी ही एक सोल प्लानिंग वाला सेशन मेरे चैनल पर ही पड़ा हुआ है तो ये देखिए किस तरह से हमारा पूर्व जन्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है आपको इस केस से पता लगेगा तो ये तो आपको पता चल गया कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज में फंसे हुए थे हालांकि सोल बहुत अच्छी हैं ये पीछे से आई हुई लेकिन इस जन्म में बहुत ज्यादा हेल्पलेस सी हैं पता ही नहीं लग लग रहा पता ही नहीं चल रहा निकलना कैसे है है ना इसीलिए वो मेरे पास आई थी और उसमें मैंने बताया भी है पहले वाले वीडियोस में कि यही सर हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि आप अपना भी ध्यान रखिए तो इनका मैंने पास्ट लाइफ थेरेपी किया कि क्यों ये इतने ज्यादा नेगेटिविटीज में फंसे हुए हैं क्या वजह है तो जैसे ही ये पास्ट लाइफ में पहुंचे बहुत ही अच्छा देख रहे थे बहुत क्लियर दिख रहा था इनको इन्होंने एक पथरीला इलाका देखा सबसे पहला ये सीन तीस चालीस लोगों का कबीला था और ये कबीले के सरदार हैं नीचे इन्होंने कुछ कपड़ा पहन रखा है और ऊपर पंखों का मुकुट है वैसे जो कबीले होते हैं ना आदिवासी वाले उसके सरदार हैं ये और बहुत स्ट्रांग बिल्ट है शरीर बहुत स्ट्रांग है ऊर्जा बहुत अच्छी है जो एनर्जीज हैं बॉडी में वो बहुत अच्छी हैं, बहुत शांत हैं, केपेबल हैं, ठहराव है उनके विचारों में उनके जीवन में उनके अंदर बहुत ठहराव है हाथ में इन्होंने अपने हाथ में धनुष और तरकश पकड़े हुए देखा तो इन्होंने एक कबीले का सरदार देखा जिसमें कि तीस चालीस मेंबर्स थे है ना और इन्होंने ऐसा बताया कि ये उन लोगों से मिलते थे जो काली विद्याएं जानते हैं जब इनको वो टाइम दिखाया तो इन्होंने 1400 समथिंग कुछ ऐसा देखा कि 1400 की बात है और ये शामन हैं शामन समझते हो आप जो काले जादू वगैरह करते हैं स्पिरिट्स से कुछ कुछ उनको हैंडल करते हैं उनको उनको यूज करते हैं उनसे सब प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं उस तरह के वो होते हैं आप गूगल सर्च करेंगे आपको पता लगेगा शाम होते हैं आगे इन्होंने देखा कि नेचर के साथ हमारा गिव एंड टेक है इसीलिए मैं बलियां दिलवाता रहता हूँ कभी किसी जानवर की कभी किसी जानवर की जिससे सारे कबीले को अच्छा खाना मिले समय पर बारिश हो तो हर चीज के लिए ये गिव करते हैं जिससे कि नेचर से ये लेते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं एक सीन में इन्होंने ऐसा देखा कि ये किसी प्रीस्ट के पास गए हैं और कुछ तो प्रॉब्लम इनके कबीले पर कुछ आई है जिसके लिए और इन्हें और ज़्यादा शक्तियों की ज़रूरत है तो ये एक प्रीस्ट के पास गए हैं वो और भी खतरनाक चीज़ें जानता है वो बड़ी बड़ी शक्तियों को बुलाना जानता है और कुछ प्रोसेस करता है कुछ रिचुअल्स करता है तो इनको भी वो प्रीस्ट रिचुअल्स करा रहा है और ये प्रोसीजर्स को ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं करना ये था कि एक कोई बड़ी शक्ति इनके अंदर शरीर में आनी थी जिससे ये और शक्तिशाली हो जाते और और अच्छे से अपने कबीले का ध्यान रख पाते क्योंकि ये रिचुअल ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे थे तो प्रिस्ट जो है इनसे नाराज हो रहा है और ये हाथ जोड़कर खड़े हैं तो जैसे जैसे एक वो ब्लैक एनर्जी थी ब्लैक ही थी वो जो शक्ति यानी थी एंटिटी थी वो वो इनके शरीर में प्रवेश करनी थी जैसे जैसे वो प्रवेश कर रही थी इनको जो है अनसर्टेंटी होने लग गई इनको लगने लगा नहीं ये ठीक नहीं है ये गलत है मैं ठीक नहीं कर रहा हूं इन्हें डर लगने लग गया इन्होंने ऐसा देखा कि मेरा जो अनाहत चक्र है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है इस ब्लैक एनर्जी के आने से और वो एनर्जी इनके अनाहत से लेकर मूलाधार तक बैठ गई है उस जन्म में और क्योंकि इन्होंने खुद उस एंटिटी को जगा दी थी अपने शरीर में तो वो एंटिटी जो है आज भी उसके जो अंश थे उसकी जो चीजें थी और भी जो ऊर्जाएं थी उसकी वो आज भी इनके शरीर में थी जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती थी खींच लेती थी अपनी तरफ नेगेटिविटी को एनवायरनमेंट से लोगों से तो अगर किसी को खुद ही हमने जगह दी है अपने ही शरीर में इन्होंने तो ये ब्लैक एनर्जी जो थी उसको दी थी है ना लोग जैसे देवी देवताओं को अपना शरीर दे देते हैं तो ये भी जन्म जन्म छोड़ते नहीं है पीछा ऐसा मैंने देखा है बचपन से ही जैसे ही पैदा हुई सोल पिछले जन्म से कोई देवी चली आ रही थी जैसे ही पैदा हुई आ गई वो तुरंत छोटे से बच्चे में ही आ गई वो देवी फिर से है ना अब इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं अलग तरह की एनर्जीज होती हैं ना तो ये रिश्ते ठीक रहने देती हैं और भी इस पर तो क्या हा? हम अभी बात करें हम तो अभी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे थे उस केस के बारे में बात कर रही हूँ तो वही करेंगे है ना तो ये जो सर हैं क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने अंदर जगा दी थी उस एंटिटी को इसीलिए वो जमी पड़ी थी फिर इस चीज़ को रिजोल्व कराया मैंने और जब रिजोल्व कराया है तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा फील किया कि इनके दोनों चक्र से वो निकल कर गया बहुत हैवी एनर्जी थी जो कि बाहर निकल के गई है है ना और उसके बाद से इन्हें बहुत आराम आया बहुत ज्यादा इन्हें अच्छा फील हुआ और बाकी फिर और भी जो ब्लैक मैजिक वगैरह थे उनको भी थेरेपी से ठीक कराया उनको एक्सेस करवा करवा के दिखा दिखा के कि कौन कर रहा है कैसे कैसे किया है कैसे कैसे क्या हुआ है वो तो सब कुछ पता लगता है दिखाई देता है कि कौन हम पर कर रहा है या किसने किया है कितने समय पहले किया है और किन किन लोगों से करवाया है वो सब सब दिखाई देता है क्या क्या क्रियाएं की हैं वो सब दिखाई देता है उसी तरह से इनको फिर हमने उन चीजों से खराब चीजों से निकलवाया है ना तो ये इस केस से देखो क्या चीजें पता लगती हैं जब हम खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ एंटिटीज को जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कहते हैं कि हाँ ठीक है जितना दुख देना है एक एक मैम का किया था मैंने आ, सेशन किया था तो बात करते करते मैम ऐसा बता रही थी जब बात करते हैं पहले सेशन से पहले बात करते हैं प्री टॉक करते हैं तो उसमें मैम बता रही थी मैंने तो भगवान को कह रखा है ठीक है मुझे जितना तुम्हें परेशान करना है कर लो जितनी तकलीफ देनी है दे दो मुझे लेकिन मैं तुमसे चू तक नहीं करूंगी तो हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सारी परेशानियां हमें लेनी है अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं वही अट्रैक्ट करेंगे जो हमारी अपनी एनर्जी में होगा वही हम अट्रैक्ट करेंगे है ना तो ये गलत प्रोग्रामिंग है फिर ठीक कराया मैं का बहुत अच्छा सेशन है और इनका तो ट्विन फ्लेम जर्नी जल्न, इन्होंने देखी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी उनका मैं वीडियो बनाऊंगी आप देखना जरूर बहुत ही अच्छा वीडियो है बहुत ही अच्छा सेशन हुआ था इनका तो अगर किसी जन्म में किसी तरह के तांत्रिक का रोल प्ले किया है जैसे ये तो शामन थे इसी तरह से अगर काली विद्याओं में लगे रहे हैं ऐसा कोई रोल किया है तो ऐसे लोग अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं बड़ी परेशानियाँ नेगेटिविटीज से हो रही हैं इनको चाहे कोई भी अटैक कर रहा है या कुछ हो रहा है तो कर्म उनके पिछले जन्म के ही हैं है ना और ये जो इस तरह के रोल होते हैं ये माफ़ी से नहीं ठीक हो पाते हैं कितने भी माफ़ी मांग लो नहीं हो पाते हैं इनको तो ठीक तरीके से ही रिजॉल्व करना पड़ता है है ना जब ये पास्ट लाइफ थेरेपीज वगैरह से इनको अच्छा फायदा लगा तो फिर इन्होंने उसके बाद फिर ये सोल प्लानिंग का अपना सेशन कराया था कि मैं अपने लाइफ पर्पस भी जानना चाहता हूँ वहां पर पूछे थे तो वो मैंने उसमें ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है आप देख सकते हैं उसको और भी कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि पास्ट लाइफ से एंटिटीज आ रही हैं चिपकी हुई हैं पास्ट लाइफ से ही इस जन्म में चिपकी हुई हैं इस जन्म में किसी ने अटैक नहीं किया है लेकिन पास्ट लाइफ से आ रही हैं कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से उन एंटेडीज के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी काली एनर्जीज उसकी वजह से यहां पर आ रही हैं और ना तो डॉक्टर इस चीज को ठीक कर पाते हैं और ना ही और भी जगह जहां जहा जाते हैं वो पता लगा पाते हैं कि कहाँ से क्या आ रहा है वो तो जब हम पास्ट लाइफ थेरेपीज वगैरह करते हैं या और थेरेपीज करते हैं तो पता लगती हैं चीजें फिर उनको रिजॉल्व कराते हैं जब वो हटती हैं चीजें तो फिर बहुत आराम मिलता है ठीक होने लग जाता है ठीक है और तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना है ये एक बड़ा ही अलग केस था। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए अपने जीवन को ठीक करने के लिए माफिया मांगते रहिए माफ करते रहिए ग्रेटिट्यूड देते रहिए दुआएं देते रहिए रास्ते खुलते चले जाएंगे मन को साफ रखिए दिल को अपने साफ रखिए किसी के लिए खराब शब्द खराब भावनाएं मत निकालिए अपने अंदर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो